हेलो दोस्तों, चलिए आज हम यूपी बोर्ड क्लास 8 का चैप्टर 7A युगपत समीकरण पढ़ते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको हम विलोपन विधि से नहीं विलोपन विधि से हल करने का प्रयास करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हम इसके पहले वाले वीडियो में सीख चुके हैं, अब हम विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। चलिए, ये पहला सवाल दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 3 और उसके बाद x बटा दो यानी 1/2 x प्लस 1/2 वाई बराबर 6। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको जो है हम समीकरण 2 मान लेते हैं। उसके बाद इसको हम हल करते हैं। हल कैसे करेंगे हम, क्या करते हैं हम, इन दोनों में एक ऐसा चर जिसे हमें विलुप्त कर देना है यानी समाप्त कर देना है। तो कैसे समाप्त करेंगे हम एक काम करते हैं, इस जो है 1/2 में जो है 2 से पूरे पदों में, इस पद में जो समीकरण 2 है इसमें जो है हम 2 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, सॉरी समीकरण 2 में गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पे 1/2 है तो हम क्या लिखेंगे, 2 × 1/2 एक्स प्लस 2 × 1/2 वाई बराबर 6 लिख देते हैं। अब उसके बाद 2 से 2 को काट देंगे, ऊपर नीचे तो काट सकते हैं। अब उसके बाद इसमें बचेगा क्या, x बचेगा और इसको भी 2 से 2 काट देते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे भी y बचेगा और इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं तो 6 × 2 = 12 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 3 का नाम दे देते हैं। किसका क्या नाम देते हैं, समीकरण 3 का नाम देते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, समीकरण एक तथा 2 को जोड़ने पर, बोला जोड़ने पर, आज जब इसको हम जोड़ देंगे तो देखिए क्या होगा। समीकरण 1 है हमारा x माइनस वाई बराबर 3 और समीकरण 3 क्या है, x प्लस वाई बराबर 12। अब ये y जो है प्लस माइनस है तो ये तो विलुप्त हो गया, अब बचा क्या x, और x x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा और ये इसको जोड़ देंगे तो 12 × 3 = 15 हो जाएगा और x का मान क्या निकलेगा, 15/2। अब 2 से इसको जब काटेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आपका आएगा 7.5, क्या आएगा 7.5 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया, क्या है ये x का वैल्यू है, x का वैल्यू 7.5 है। अब क्या करते हैं हम, जो है x का मान x का निकला है ना, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 यहां पर है तो x का मान क्या है, 7.5 माइनस वाई बराबर 3 कर देते हैं। अब उसके बाद y हो जाएगा और 3 रहेगा, इसका हम पक्षांतर कर लेंगे, क्या करेंगे पक्षांतर, तो प्लस 7.5 है तो माइनस 7.5, क्या करेंगे इसका हम पक्षांतर,
करने पर। अब उसके बाद क्या होगा, माइनस वाई रहेगा ही। अब यहाँ पे प्लस तीन है, अब माइनस सेवन दशमलव 7.5 है, तो अब प्लस तीन अब प्लस माइनस तीन खत्म हो जाएगा, फिर भी जो माइनस जो है 4.5 बच जाएगा। अब ये माइनस से माइनस खत्म हो गया तो वाई का मान जो है 4.5 ये निकल आया। तो इसलिए हम कह सकते हैं अतः एक्स बराबर 7.5 और वाई बराबर 4.5 है। ये हम विलोपन विधि से ज्ञात किए हैं। किस विधि से? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से। अब उसके बाद जो अगला सवाल है, दूसरा सवाल, इसको भी हम हल कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण, ये जो सवाल है दूसरा, ये यहाँ पर है, इसको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। ये समीकरण दो है, इसको समीकरण एक मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण दो मान लेते हैं। अब इसे क्या करेंगे हम, ये x है, इस माइनस वाई को पक्षांतर करेंगे, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर एक हो जाएगा। और ये क्या है, 2y है, तो 2y को इधर रखते हैं, प्लस 2y है ना, ये तो बराबर को उस पार नहीं गया, इस x को इस पार लाएंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा बराबर, ये क्या है, ये माइनस चार है, तो ये माइनस चार ही रहेगा। अब इसको हम समीकरण तीन का नाम दे देते हैं और इसको समीकरण चार का नाम दे देते हैं। अब इसमें तो बिना कुछ किए ये तो खत्म हो जाएगा, प्लस यहाँ प्लस छिपा है, प्लस माइनस ये खत्म हो गया, बचा का ये 2y है और उसमें एक y और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। ये माइनस फोर है, उसमें वन हम जो है घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस थ्री हो जाएगा। अब वाई का मान क्या होगा, माइनस थ्री बटा, इस थ्री को यहाँ पे लिख देते हैं, गुणित में था तो डिवाइड में हो गया, थ्री वन जा थ्री, वाई का मान क्या हो गया, माइनस वन हो गया, क्या हो गया, माइनस वन हो गया। ये तो हमारा किसका मान हो गया, वाई का मान हो गया। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है मान x का। तो क्या करेंगे हम, y का मान, y का मान समीकरण एक में रखने पर, y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक कहाँ है, यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या है, x तो है ही, अब बराबर लगा देंगे, y माइनस वाई के स्थान पे हम क्या रखेंगे, माइनस एक रखेंगे, तो माइनस बाहर हो जाएगा और y के स्थान पे माइनस वन हो जाएगा और प्लस वन हो जाएगा। अब x बराबर देखो, माइनस माइनस प्लस वन हो गया और ये प्लस वन है ही, तो x बराबर क्या निकलेगा, दो निकलेगा। ये हमें जो है x का मान भी निकल आया, ये हमें x का मान निकल आया। अब क्या करेंगे हम, अतः हम लिख सकते हैं, अतः यक्स बराबर दो और वाई बराबर क्या निकला है, माइनस वन है। अब इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं और इसे विलोपन विधि से हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसको विलोपन विधि से करने के लिए इसको हम समीकरण एक का नाम दे देते हैं और इसे समीकरण दो का नाम दे देते हैं।
अब इसमें देखते हैं कि इसके हमें इसमें से कोई एक चर जो हमें लुप्त करना है, तो किसे लुप्त करेंगे हम इसे लुप्त करने के लिए क्या करते हैं, समीकरण एक में, समीकरण एक में दो से तथा समीकरण दो में तीन से गुणा करने पर। अब गुणा कर देते हैं हम, तो पहले समीकरण एक में गुणा करते हैं दो से, तो दो गुणते 1/2 एक्स प्लस 2 गुणते y बराबर 2 गुणते 1, सभी पदों में गुणा होगा समीकरण एक में। अब उसके बाद इसमें गुणा कर देते हैं 3 गुणते 1/3 एक्स माइनस 3 गुणते 7 y बराबर 3 गुणते 4, इसको भी गुणा कर लेते हैं। अब दो से दो तो कट गया, दो से दो कट गया, और बचा क्या इसमें, एक्स बचा प्लस दो से वाई में गुणा, तो जो क्या हो गया 2y हो गया बराबर 2 हो गया। और अगर तीन से ये तीन कट गया, बचे क्या इसमें, एक्स बचेगा माइनस 7 * 21y बचेगा, क्या बचेगा 21y, और इधर क्या हो जाएगा 4 * 3 12 हो जाएगा। अब इसको जब हम हल करेंगे तो क्या निकलेगा, अब देख लेते हैं इसको, इसको हम जोड़ देते हैं। तो अब जोड़ने के लिए ये दोनों प्लस लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं इसको। जब एक पद को हम माइनस करेंगे तो हमें सबका चिन्ह बदलना पड़ेगा, ये माइनस है तो इसको प्लस करना पड़ेगा, इसमें प्लस छुपा है तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये आपका प्लस माइनस, तो ये ख़त्म हो गया, और ये प्लस हो गया तो जुड़ जाएगा 21 * 2 = 23y हो जाएगा, और ये माइनस है, ये प्लस है, 2 + 2 कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा -10 बचेगा। अब y बराबर क्या होगा, -10/23। ये हमारा जो है समीकरण, ये y का मान हमें ज्ञात हो गया। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, अब हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x की वैल्यू जो है यहाँ निकाल लेते हैं, y का मान समीकरण एक में रखने पर। अब समीकरण एक ये है, यहाँ पे हमें y का मान रखना है 1/2 x प्लस y का मान क्या है, -10/23 है, अब बराबर 1 है, रख देते हैं। अब इसको हल कर लेते हैं, 2 और 23 कैल्शियम क्या निकलेगा, 23 * 2 = 46 निकलेगा। अब 2 से 23 में 23 बार पढ़ेंगे तो 46 आएगा, तो 23 x में गुणा तो क्या हो जाएगा, 23 x हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 23 * 2 = 46, तो 10 * 2 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, अब बराबर 1 ही है। अब त्रियक का गुणा करेंगे तो ये 23 x - 20, ये तो यहाँ पे 1 होगा, इससे इसका गुणा हो जाएगा, और ये नीचे का ऊपर से गुणा, तो 46 में 1 से गुणा करेंगे तो 46 ही आएगा। अब उसके बाद 23 x है ही, ये 95 होगा, तो क्या हो जाएगा, 23 में 6 यहाँ पे आ जाएगा का 46, अब -20 है तो +20 हो जाएगा। अब x बराबर ये हो गया 66 और नीचे 23 हो गया, तो ये आपका x का वैल्यू निकला है, किसका वैल्यू निकला, ये निकला x का वैल्यू, किसका वैल्यू है, ये आपका x का वैल्यू है। इसलिए अतः x बराबर 66/23 और y बराबर -10/23 है। नंबर 4 पढ़ने का प्रयास करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी हम देख लेते हैं। इसको समीकरण, इससे जो है हम समीकरण
एक का नाम दे देते हैं और इसे समीकरण दो का नाम दे देते हैं। अब इसमें में कोई एक विलुप्त करना है तो क्या करेंगे हम, विलुप्त करने के लिए 2.5 से हम दूसरे पद में गुणा, समीकरण दो में गुणा कर देते हैं। तो जब इसको हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण दो में 2.5 से गुणा करने पर, अब गुणा कर देते हैं तो क्या होगा देखिए, तो समीकरण दो ये है तो 2.5 से गुणा करेंगे तो ये तो 10x हो जाएगा, प्लस ये तो 2.5x ही रहे वाई रहेगा, और ये दो से अगर 2.5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा जो है आपका 22 × 44 और उसका आधा 11 55 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण एक और तीन, इसको समीकरण तीन का नाम दे देते हैं, तीन को जोड़ने पर, समीकरण एक और तीन को जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, समीकरण एक आप ये है 1.5x प्लस 2.5y और उसके नीचे बराबर 21 है और तीन क्या है 10x प्लस 2.5y और क्या है 55। अब इसको जोड़ते हैं तो क्या होगा, चिन्ह बदलना पड़ेगा, इसको माइनस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा -8.5x हो जाएगा, इसको माइनस लगाएंगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा और इसको माइनस लगाएंगे तो 21 घटाना पड़ेगा आपको, तो ये आपका हो जाएगा 5 में से 1 गया 4 और 5 में से 2 गया 3, ये हो जाएगा -34। अब x बराबर क्या होगा -34/8.5, इसको भी माइनस कर देते हैं तो ये माइनस माइनस तो ख़त्म हो गया। अब इसका निकलेगा क्या, ये 34 है, ये 85 कर देते हैं इसको, अगुणते 10 ऊपर लगा देते हैं तो इसको 17 से काटें, 17 × 34 17 × 85, क्या बचेगा ऊपर 10 × 20 और नीचे 5 रहेगा ना। अब उसके बाद 5 × 4 काट देंगे तो इसमें क्या निकलेगा, इसमें आपका जो है x का वैल्यू 4 निकला, यहाँ पे लिख सकते हैं x = 4, क्या निकला x = 4 निकल गया, ये इसका x का वैल्यू हमने निकाल लिया जो यहाँ पे दिया हुआ है x = 4 ये निकला है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब x का वैल्यू हम रखते हैं, x का मान समीकरण एक में रखने पर, अब समीकरण एक यहाँ पे है, यहाँ पे हमें x का वैल्यू रखना है तो 1.5 × क्या रखना है 4 रखना है, प्लस 2.5y रहेगा ही, अब बराबर 21 रहेगा ही। अब जो है 4 से 1.5 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1.5 6 होता है, 6 और प्लस 2.5y बराबर 21 है ही, अब 2.5y रहेगा ही, 21 ये 95 करेंगे तो -6 हो जाएगा, अब y बराबर
21 में 6 गया तो कितना होगा, 15 होगा, और ये 2.5 नीचे आ जाएगा। अब 15 तो रहेगा ही, ऊपर 10 लगा देते हैं, नीचे 25 कर देते हैं। अब 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 15, तो वाई का मान क्या निकला, 3 × 6 निकल गया। क्या निकला, 3 × 6 निकल गया, ये वाई का मान हो गया। हम लिख सकते हैं अतः एक्स बराबर 4 और वाई बराबर 6 है। धन्यवाद, और आगे का सवाल जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।